नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम्स गुड लाइफ। सो आज के वीडियो में हम लोग बातें करेंगे न्यू बॉर्न बेबीज के गैस के प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं और उसको उसे किस तरह घर पे ही अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। पहले तो प्रॉब्लम ये है कि जब न्यू बॉर्न बेबीज दूध पीते हैं तो दूध के संग एयर भी मुंह के अंदर चला जाता है, जो अंदर पेट में जाके गैस फॉर्म होता है। अगर बच्चे ज्यादा रोए उसके लिए भी उसे गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो एयर अंदर चला जाएगा, फिर गैस का प्रॉब्लम होगा। थर्ड ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनके डाइट पे भी डिपेंड करता है बच्चे के गैस के प्रॉब्लम। एंड फोर्थ, अगर ओल्डर इन्फेंट्स रहा, अगर ओल्डर बेबीज रहा जो सॉलिड स्टार्ट ही किया है खाने के लिए, तो उसके लिए भी गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। डिपेंड्स क्या सॉलिड वो लोग खा रहे हैं। इस गैस प्रॉब्लम को हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं बच्चों में। सबसे पहला बात यह है कि हमें जब भी अपने बच्चे को फीड कराएं तो उसे बर्ब्स जरूर दिलाएं। ढकार अगर नहीं दिलाया गया बच्चे को तो फिर वो अंदर में रह के गैस उसे तकलीफ दे सकता है। सो आज जब बॉडी मसाज किया जाए बच्चे को तो उसको प्रॉपर एक्सरसाइज कराया जाए, इससे भी गैस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। थर्ड, आपका टमी टाइम बच्चों को प्रॉपर देना चाहिए, इससे भी गैस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मिल्क पिलाने का सही तरीका होना चाहिए। अगर बच्चे का दूध पिलाने का तरीका गलत हो, उसका प्रॉपर पोजीशन गलत रहा, तब भी गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इससे भी अगर गैस का प्रॉब्लम रहा बच्चे को, तो हमें घर पे ही हींग का पेस्ट बनाना चाहिए। हींग का पेस्ट तो आई थिंक सभी को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। हींग का पेस्ट के लिए एक चम्मच पानी को गर्म करें, उसमें एक चुटकी हींग डालें, उसको डिजोल्व होने दें। जब वो डिजोल्व हो गया, वो पानी में मिक्स हो गया, वो पेस्ट का फॉर्म ले लिया, जब वो तवा फिर से ठंडा करके बच्चे के नाभि के आसपास उसके लगाएं। याद रहे कि बच्चे के नाभि के आसपास, बच्चे के नाभि के अंदर नहीं जाए। थर्ड है कि अगर इन सबसे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो बच्चे के लिए गैस का ड्रॉप रखा करें। आशा है कि आपको ये सबसे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको कुछ वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।